हे सर्वशक्ति माते ललिताम्बे, आपकी मुझ शक्ति रूपा महाकाली का प्रणाम स्वीकार हो। हे जगत की आधार देवियों, महासरस्वती, महालक्ष्मी, महाकाली, हे शुभे, आप तीनों द्वारा सृष्टि के महाकारण कार्य सुचारू रूप से तो चल रहे हैं ना? कोई विघ्न व्यवधान तो नहीं है? आप अपने तीनों प्रतिपालक देवों के साथ सुखपूर्वक सकुशल तो है ना? हे जननी, आपके रहते हम बाधा रहित हैं, क्योंकि आप ही हमारी उत्पत्ति हैं। हे सर्वेश्वरी माते, आप ही तो हमारी आधार और स्थिति हैं। हे लीलामयी लय रूपे अम्बे, सबका प्रलय रूप आप ही तो हैं। आपका वरद हस्त मस्तक पर विद्यमान है, आपकी अमोघ कृपा सर्वत्र व्याप्त है, आपका श्री चक्र राज चहु ओर अविराम चल रहा है, सर्वत्र योगी योग है, सर्वत्र क्षेम ही क्षेम है, सर्वत्र मंगल ही मंगल है। एवं अस्तु, ऐसा ही हो, परंतु आपके यहां आने का कोई कारण, कोई विशेष प्रयोजन? हे माते, हाँ हाँ कहो ना, क्या कोई गुप्त रहस्य है? हे माते, आपसे क्या छुपा है, होनी अनहोनी सभी की साक्षी हैं आप। आपके ऐश्वर्य में सभी भाव समाये हैं, आप ही बहिर्मुख और अंतर्यामिनी हैं। हे शुभे, मेरी अंश रूपा होने से ये भाव आप तीनों में विद्यमान हैं, फिर भी यहां आने का कोई विशेष कारण अवश्य होगा, क्योंकि बिना कारण के जगत में कोई कार्य नहीं होता। हे माते, कारण ही हमें यहां लाया है, उसका निवारण आप ही कर सकती हैं अम्बे। हे जगजननी, आपका ये विराट विश्व निम्न, मध्यम और उत्तम तीनों भावों में बटा हुआ है। सृष्टि के सभी प्राणी इन्हीं तीनों भावों में विभाजित हैं। हाँ हाँ, ये सत्य है। तो बस यूं ही माते, एक बार नारद जी ने प्रसंगवश बात छेड़ दी कि हम तीनों देवियों में सर्वश्रेष्ठ कौन है, इसी दुविधा में हम तीनों फंसी हुई हैं। ओ हे कल्याणमयी देवियों, अपने अंतर आत्मा में सभी को अपनी अपनी शक्ति क्षमता का अनुभव होता है। आप ही कहो, आप तीनों का निजी अनुभव क्या कहता है, आप तीनों में श्रेष्ठ कौन है? हाँ हाँ कहो। हे जगन माते, जब सृष्टि का निर्माण भी नहीं हुआ था, तब शून्य आकाश में ना तो अंधकार था और ना ही प्रकाश, वहां जड़ चेतन कुछ भी नहीं था, तब ज्ञान ही सर्वत्र व्याप्त था। अतः आदि कारण होने से ज्ञान ही सर्वश्रेष्ठ है, ये मेरा मत है। हे सर्वमयी माते, बिना आधार के ज्ञान की कोई स्थिति नहीं रहती, बिना स्थिति के ज्ञान क्रियावान होकर प्रकट भी नहीं हो पाता, और जब ज्ञान आदि कारण बनकर प्रकट होता है तो लक्ष्मी ही उसे पालती पोसती और पल्लवित करती है। ज्ञान का आधार होने से वत्सला लक्ष्मी ही स्वयं सर्वश्रेष्ठ सिद्ध हो जाती है, ऐसा मेरा मत है। हे ललिताम्बे माँ, शक्ति के बिना न ज्ञान स्थिर रहता है और ना ही लक्ष्मी। बिना शक्ति के दोनों के अस्तित्व बवंडर में उड़ती धूल के समान होता है, क्योंकि शक्ति रहित होने से न ज्ञान में ज्ञान का बोध रहता है और ना ही लक्ष्मी में लक्ष्मी की चैतन्यता। जैसे प्राण रहित शरीर शव के समान होता है, अतः शक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है
ये निर्विवाद है। ओ, आपके इस विवाद के स्वयं कहे गए निर्णय के प्रति आपके अपने स्वामी ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने भी अवश्य ही अपने मंतव्य दिए होंगे। हाँ हाँ माते, मंतव्य तो दिया था, परंतु वो मंतव्य निराधार था। वो न हमें स्वीकार था, न है और न कभी होगा। हे माते, आप ही सर्व रचयिता आदि जननी हैं और सर्वोपरि ज्ञान भी आप ही हैं। हे सर्वमयी माते, आप सभी भावों में रहकर भी सभी भावों से रहित हैं। न कोई आपका प्रिय है न अप्रिय। आप ही परिपूर्ण संपूर्ण होने से सभी की नियंता और न्याय है। अतः सर्वश्रेष्ठता के निर्णय के लिए हम आपकी शरण में आए हैं। हे शुभमयी देवियों, ध्यान से सुनो। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। अर्थात ये जो कुछ है सब कुछ पूर्ण है। ये जो पूर्ण नाम से कहा गया है उसमें से उसे घटा देने पर भी वो आधा अधूरा या खंडित नहीं होता, वो पूर्ण ही रहता है। यही उपनिषदों की आत्मविद्या है, वही परिपूर्ण है। वो जैसा था वैसा ही है और सदैव वैसा ही रहेगा। यही ऋचा मेरी, तुम्हारी, सबकी चेतन सत्ता है। तुम में मैं और मुझ में तुम हो, सभी संपूर्ण हैं। शुभे सोचो, इसमें कौन बड़ा कौन छोटा, कौन अश्रेष्ठ कौन सर्वश्रेष्ठ, कम और अधिक, अच्छा और बुरा, सुख और दुख, ये तो भासमान अस्तित्व के भाव हैं। हे देवियों, वेद कहते हैं ये सृष्टि एक विराट रथ है। हाँ हाँ माते, हाँ माते, ये सच है। हाँ माते, हमने ऐसा ही अनुभव किया है। हाँ तो कहो, रथ के चलाने में सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? हे माते, रथ का पहिया। नहीं माते, रथ के दोनों पहिए। नहीं अम्बे, रथ को चलाने वाली धुरी प्रमुख होती है। हे शुभे, तीनों ही प्रमुख हैं। वो कैसे माँ? हे भद्रे, रथ के दो पहिए न हो तो पहियों में लगी धुरी का कोई अर्थ नहीं रहता। उसी प्रकार रथ में धुरी न हो तो पहियों का भी कोई अर्थ नहीं होता। इस विराट सृष्टि रथ को चलाने के लिए ज्ञान और लक्ष्मी दो पहिए हैं। जो शक्ति रूपी धुरी से जुड़े हुए हैं, एक दूसरे के बिना तीनों का कोई अस्तित्व नहीं। आता है तीनों का महत्व समान है, तीनों की महिमा समान है। हे माते, परंतु वो क्या कारण है जो ये समान समता के भाव भी अकारण आवेग में आकर प्रतिद्वंदिता और स्पर्धा कराते हैं? ऐसा क्यों है माते? हे देवी, ये प्रतिद्वंदिता, होड़, स्पर्धा अस्तित्व के भाव हैं और इसी भाव ने सृष्टि के आरंभ में अहंकार के रूप में जन्म लिया था। हे कल्याणियों, सृष्टि में सब कुछ समाप्त हो जाता है, परंतु यह अहंकार ही समाप्त नहीं होता। यही सृष्टि रचता है
और अपने आप में द्वंद करता है, प्रतिस्पर्धा करता है, होड़ करता है। Cinevista is now on YouTube. Like, share and subscribe for more.